पीएम मोदी ने छेड़ा वोकल फॉर लोकल अभियान। सीएम मोहन ने भी दी मोदी की मुहिम को धार। गरीब दुकानदारों के लिए सीएम ने उठाई आवाज। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुद पेश की मिसाल। हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक गांव के शिल्पकार, किसान, हस्तशिल्पियों के उत्पादन को ताकत नहीं मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं मिलेगी, तब तक भारत को विकसित देश नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पीएम मोदी ने देश को वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। जो भी उत्पाद हमारे किसान, हमारे हस्तशिल्पी बनाते हैं, उनके लिए हमें वोकल होना है। जब हम वोकल फॉर लोकल होंगे, तभी दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर वोकल होगी। जब हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचेंगे, तो विकसित भारत के निर्माण का रास्ता और सशक्त होगा। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान छेड़कर भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा, तो मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उनके सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और दिवाली से पहले ही मध्य प्रदेश की जनता को वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए कुम्हारों से दिए खरीदने की अपील की है और वादा भी किया कि मैं खुद बाजार जाकर स्थानीय भाई बहनों से उनके बनाए गए दीपों और उत्पादों को खरीदूंगा। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। दीपावली पर वोकल फॉर लोकल का एहसास हम सबको रहना चाहिए, इससे प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। दीपावली हमारे लिए एक अलग आनंद देती है, लेकिन दीपावली के दिए हमारे प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए दीप उनके जीवन में पूरे साल दीपक बना करके वो उम्मीद करते कि सारे दिए उनके बिके। वो नहीं, उनके जैसे कई लोग हैं हमारे कई समाज के द्वारा, कोई झाड़ू बनाता है, कोई श्रृंगार की सामग्री बनाता है, कोई फेरी लगाता है, कोई फुटपाथ पे बेचता है, कोई अलग प्रकार से अपने दिए की बत्ती बना करके बेचना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों से मिलकर के दीपावली मनती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं। मैं स्वयं भी मार्केट में जा करके अपने ऐसे बंधुओं के द्वारा बनाए हुए स्वदेशी उत्पाद को खरीदूंगा जिसके माध्यम से दीपावली मने। ये तो आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन नेताओं में नहीं हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, वो उन नेताओं में हैं जो अगर कोई अपील करते हैं तो खुद सबसे पहले उस पर अमल भी करते हैं। इसलिए जैसे ही भगवान राम की पावन तपोस्थली चित्रकूट वो पहुंचे, तो जनता से किए वादे के मुताबिक सीएम मोहन यादव ने लोकल दुकानदारों से दिवाली को लेकर खरीदारी भी की। छोटे छोटे दुकानदारों से सामान खरीदते वक्त सीएम मोहन यादव ने जहां वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया, तो वहीं पीएम मोदी के एक और अभियान कैशलेस भारत का भी संदेश दिया। और दिवाली की खरीदारी UPI यानी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए की, जिसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, आज चित्रकूट में स्थानीय उत्पाद खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट किया, कैश नहीं अब कैशलेस पेमेंट बना सशक्त भारत का आधार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न हो रहा साकार। जिस तरह से पीएम मोदी यूपीआई को बढ़ावा देते रहे हैं, उसी तरह से सीएम मोहन यादव ने भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के लोगों को संदेश दिया कि इसका इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित और आसान है। इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश जैसे राज्य की कमान क्यों सौंपी है, क्योंकि पीएम मोदी दिल्ली से जो फैसले लेते हैं, सीएम मोहन यादव उसे मध्य प्रदेश की जमीन पर उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसे धाकड़ सीएम के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चित्रकूट के दौरे पर गए सीएम मोहन ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुनिया के कई सारे देश, 200 से ज्यादा देश
लेकिन कोई देशों में ये परंपरा नहीं है जो हमारे देश की परंपरा है। खेल के लिए भारत घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, ये परंपरागत खेल तो हमारे यहाँ हजारों साल से आज भी गौरव और गर्व का प्रतीक। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे यहाँ भाई और बहन इस मामले में भी पश्चिम के लोग भले कितने आरोप लगाए, लेकिन ये 500वां जयंती वर्ष चला रानी दुर्गावती का, हमारी यहाँ इसी क्षेत्र की बेटी अपने तलवार के बलबूते पर 51 लड़ाइयां लड़ती और 51 लड़ाई में विजय श्री हासिल करती, और कौन सा ऐसा योद्धा जिसका सामना उन्होंने नहीं किया, चाहे अकबर हो, अकबर को तो उसके सेनापतियों के समान 3-3 बार हराया, और आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ने गई तो 52वें युद्ध में कोई कारण से उनको लगा कि युद्ध नहीं जीता जाएगा, तो युद्ध का जो गौरव होता है, जो वीरांगना होती है, जो वीरता का धर्म निर्वाह करते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि शांति काल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और युद्ध में एक गौरवशाली क्षण कौन सा आता है। तमाम प्रयास के बाद भी युद्ध अगर नहीं जीता जा रहा है तो अपने शरीर में खंजर भोग करके इस भारत माँ को गौरवान्वित करने का मौका दिया, ये रानी दुर्गावती का इतिहास अपने देश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। और एक नहीं, ऐसी अनेक रानियां हैं, रानी दुर्गावती हो, रानी झांसी हो, अवंतीबाई हो, रानी अहिल्याबाई, जिनने शासन का भी कुशल संचालन किया, उनका भी 300वां वर्ष चल रहा है, और अपने शासन के साथ साथ अपने सनातन धर्म की सभी अच्छी बातों को लेकर के पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से भारत की सीमाएं कहां कहां तक है। आप में से कई लोग अभी जो प्रथम पुरस्कार जीता है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे लिए रानी अहिल्याबाई ने भी मुगल काल में बनारस में जिस बाबा विश्वनाथ की हम पूजा करते हैं वो मंदिर बनाने का गौरव अगर किसी के हाथ में था वो हमारी अहिल्या माता के नाम पे था। मुझे इस बात का आनंद है और हमें गर्व है इस बात। शासक बनना अलग बात, शासन चलाना अलग बात, लेकिन शासन को जड़ों से जोड़कर देखना, इसी बात की आवश्यकता है। आज अपने बीच शासन चलाना हो या जीवन चलाना, खेल के प्रति जो भाव है, सच्चे अर्थों में माने रोकर जी ने सही कहा कि हमें गर्व है इस बात का। मैं भी इसी दौर से निकला हूं कि हम अपने खिलाड़ियों के अंदर खेल से ही अनुशासन भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है, बुद्धि की प्रखरता भी आती, निडरता भी आती, अपने लक्ष्य के प्रति संधान करना भी आता, और इसी बात की तो आवश्यकता है। इसलिए हजारों साल से हमारे यहाँ तो विवाह भी स्वयंवर से होते रहे, ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। दुनिया में इतने सारे देश, कहीं ये पद्धति नहीं है, लेकिन आज तो जब हमारे यहाँ पर पूरे देश के विद्या भारती के अलग अलग क्षेत्र के कहाँ कहाँ से विद्यार्थी आए और सबने आकर के खेल के माध्यम से, और जो पुरस्कार दिए गए वो भी कितने प्रकार के, मैं यही देख रहा था संचलन में भी आपने ध्यान रखा, तो जो संचलन में जिनने पुरस्कार पाए उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर खेल की विधाओं के लिए भी अलग अलग जिस प्रकार से खेल आपने किया है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा, खेलो इंडिया यूथ गेम में हमने प्रदेश में 4th नंबर का स्थान लिया है। कयाकिंग, कैनोइंग में, स्लैलम में, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, और लगातार जिस प्रकार से गोवा नेशनल गेम में मध्य प्रदेश ने 4th स्थान हासिल किया, और शूटिंग के अंदर तो 15 मेडल्स हमको मिले हैं, और अभी हमारे ओलंपिक गेम हुए हमारे बच्चों को 11वां नंबर मिला है। लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है, हॉकी में जो मेडल मिला है उस मेडल में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश का बच्चा भी शामिल हुआ है, जो DSP करके हमारी पुलिस सेवा में नौकरी कर रहा है। एक नहीं, ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन आज 18 खेलों की 11 राज्य खेल अकादमियों का भी सफल संचालन मध्य प्रदेश के माध्यम से हो रहा है। और विद्या भारती ने जब कोई बात कही है तो मैं वो बात कैसे भूल सकता हूँ। हमें बताया गया कि यहाँ खेल का महाविद्यालय के लिए आपने कहा कि कुछ धनराशि की जरूरत है, तो लगभग 15 करोड़ की आपने मांग की है। मैं 15 करोड़ की सारी राशि देने की अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। हमारे अपने
स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए